हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं SSC MTS 2021, जिसकी अक्टूबर में एग्जाम होने वाली है, उसी का इंग्लिश का क्लासेस हम लोग का चल रही है। और आज का इंग्लिश के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। और ये है कि 2017 में SSC MTS 2017 में जो पेपर कराए गए थे हर एक शिफ्ट का, ठीक है, एवरी शिफ्ट जितने भी शिफ्ट हुए थे, एवरी शिफ्ट का 40 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आइडम्स एंड फ्रेज का 2 क्वेश्चन आते हैं। और आपको एवरी यानी कि 20 शिफ्ट का 40 क्वेश्चन आपको लेकर के हम आपके सामने इस क्लास में आए हैं। तो ये क्लास पूरा देखिएगा आप लोग, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आइडम्स एंड फ्रेज में आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है SSC MTS एग्जाम 2021 में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, रिटर्न क्वेश्चन कर रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द वेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज, यानी कि आइडम्स ऑफ फ्रेज जो दिया हुआ है उसका वेस्ट सब्स्टिट्यूट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, ठीक है, ये दिया हुआ है। और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कन्फिस्ट, सब्जेक्ट, रिटेलिएट, ये सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए क्या है, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, ठीक है। पहला आपका दिया हुआ है कन्फिस्केट, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जब्त करना, किसी चीज को जब्त कर लेना, ठीक है, जब्त करना। अगला है सबजुगेट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो ये आपका मीनिंग होता है अधीन करना, अपने अधीन करना, यानी गुलाम बनाना भी कह सकते हैं, अधीन करना। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, बदला लेना, ठीक है, बदला लेना, ठीक है। अगला वर्ड है एलिविएट, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो अब क्या करें, रिटर्न सम सॉर्ट ऑफ अटैक, यानी कि जो अटैक किया है छोटा सा उसका रिटेक करना है, यानी कि क्या हो गया, बदला लेना, रिटेलिएट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन। ऑप्शन में दिया हुआ है एकोमिलिटी, पावर और प्रिविलेज। देखिए अकाउंटेबिलिटी है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का पारदर्शिता, ठीक है। पावर का मतलब जानते हैं शक्ति। एनुटी का हिंदी मीनिंग होता है आपका वार्षिकी, ठीक है। अब प्रिविलेज का क्या बोलते हैं, प्रिविलेज को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट अधिकार, यानी कि स्पेशल पावर, स्पेशल अधिकार, विशिष्ट अधिकार, ठीक है। तो प्रिविलेज आपका सही आंसर है, क्या हो जाएगा, विशिष्ट अधिकार, प्रिविलेज। तो ये हुआ राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, ठीक है। अगला जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कर रहा है, ह्यूमन सर्विस है। ह्यूमन सर्विस का क्या होता है, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है बहुत बड़ी सेवा करना, ठीक है, बहुत बड़ी सेवा करना, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में इसका क्या दिया हुआ, सर्विस फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कि कम समय के लिए सेवा करना, वेरी कॉस्टली सर्विस, बहुत महंगा सर्विस है, यूजफुल हेल्प इन नीड और वर्क विदाउट प्रिपरेशन, नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यूजफुल हेल्प इन नीड, यानी कि बहुत बड़ी सेवा करना, ठीक है। अगला जो एडम से वो है वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है सदा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, यानी वंस का मतलब एक बार होता है एंड फॉर ऑल सभी के लिए, तो क्या हो गया, सदा के लिए। और सदा के लिए कर इसको अलग मीनिंग में क्या कर सकते हैं, फॉर एवर, forever, forever। तो देखिए bring to an end नहीं होगा, remaining alive नहीं होगा, forever आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, forever,
समथिंग गुड फॉर पीपुल नहीं, कुछ न, कुछ अच्छा पीपुल के लिए नहीं होगा, तो क्या होगा, सदा के लिए, यानी कि फॉर एवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा फिफ्थ नंबर, क्या कह रहा है ये, एट एनी कॉस्ट। बहुत सिंपल है, या आप लोग में से जनरली जानते होंगे एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी कीमत पे। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कीमत पे, कीमत पे या पर, किसी भी कीमत पर। ठीक है, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनली, नहीं होगा। इन ए मिसरिएबल सिचुएशन, इन ए मिसरिएबल सिचुएशन मतलब कि सिक्योरिटी अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन ए मिसरिएबल सिचुएशन यानी कि किसी भी सिचुएशन में सिक्योरिटी नहीं होगा, पर्सनली मतलब नहीं होगा, अंडर एनी सर्कमस्टांस। अंडर एनी सर्कमस्टांस का मतलब होता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एट एनी कॉस्ट का क्या हो जाएगा, अंडर एनी सर्कमस्टांस। ठीक है, किसी भी कीमत पे, इसका क्या होता है, अंडर एनी सर्कमस्टांस का मतलब क्या होता है, किसी भी कीमत पे और अंडर एनी, ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, सूटेबल है। अगला वर्ड है एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील का हिंदी में इसका क्या होता है, एन आयरन व्हील का मतलब होता है एक दृढ़ निर्णय, निर्णय जैसे भीष्म पितामह एक निर्णय लिए थे कि हम आजीवन क्या रहेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, तो एक दृढ़ निर्णय। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, नो लॉन्गर इन यूज बाय ऑल मीन्स टू मेक सेक्रीफाई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रीडम ओपिनियन। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला वर्ड है वो है एट द एलेवंथ आवर, एट द एलेवंथ आवर। इसका क्या होता है, इसको हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका अंतिम क्षण में, अंतिम यानी कि लास्ट मिनट, अंतिम क्षण में यानी कि लास्ट मिनट। ठीक है, तो एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट क्या हो जाएगा, द इनिशियल मोमेंट बिल्कुल नहीं होगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट बिल्कुल होगा, इट एट इस यूजुअल टाइम नहीं होगा, यूजुअल टाइम में भी नहीं होगा। क्यों, यूजुअल टाइम में मतलब एज यूजुअल जो रहता है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, ये तो पहले का टाइम बता रहा है कि जितना पहले हो सके उतना होगा। ठीक है, ये कह रहा है इनिशियल मोमेंट, वो तो कह रहा है पहले स्टार्टिंग का समय नहीं, और ये कह रहा है अंतिम क्षण में, तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी कि बी इसका सही आंसर है, बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्या है, एरेड लेटर डे, एरेड लेटर डे। देखिए एरेड लेटर डे को कोई बच्चा लग कर सकता है कि ऑप्शन, अगर जो देखेगा तो ए डे, हिंदी मीनिंग अभी नहीं बताते, ऑप्शन दिखाते हैं उसके बाद बताएंगे, ए डे व्हेन यू व्हेन वन फील लेजी, तो कह सकता है ए रेड लेटर डे का मतलब कि क्या होगा कि व्हेन ए डे वन फील लेजी, ये ऑप्शन हमको लग रहा था कि कोई भी दिन, वैसा दिन जो भी इंसान लेजी फील करे उसी को क्या बोले, ए रेड लेटर डे। ठीक है, अगला क्या, ए डे डेट इज प्लीजेंटली नेटवर्थ और मेमोरेबल, ये भी कह सकता है। ऐसे तीसरा ऑप्शन है एसेरो फुल डे, चौथा है मोस्ट डेंजरस डे ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, तो रेड इसका क्या होता है, रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है, यादगार दिन, क्या बोलते हैं बाबू इसको, यादगार दिन। ठीक है, तो इसका सुटेबल क्या हो जाएगा, यादगार दिन का क्या हो जाएगा, ए डेट डेट इज प्लीजेंट नेटवर्थ एंड मेमोरेबल, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि मेमोरेबल जो रहेगा, यादगार दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, डरपोक। चिकन हार्टेड का हिंदी में क्या होता है, इसको हिंदी में क्या इसका मतलब होता है, डरपोक। ठीक है, ओबीडियंट फेयरफुल क्रेजियस डाउटफुल, तो क्या हो जाएगा इसका, फेयरफुल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, डरपोक, फेयरफुल। ठीक है, क्रेजियस नहीं होगा, क्रेजियस का मतलब साहसी होता है, डाउटफुल नहीं होगा, ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, तो ये सारा कुछ। ठीक है, अगला है ड्रॉ ए लाइन, अगला वर्ड है, अगला फ्रेज है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या होता है, लिमिट तय करना
एक लक्ष्मण रेखा ना कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दिए कि माता सीता अब इससे आगे नहीं जाइएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक लिमिट तय कर दिया कि इस रेखा से आगे आप नहीं जाइएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, टू फिक्स ए लिमिट टू बी ए, इसको आप लोग बता दीजिएगा आराम से, टू फिक्स ए लिमिट। दूसरा क्या है, टू बी एबल टू रीड एंड राइट टू मेक सर्टिफाई टू डिसीव। क्या हो जाएगा इसका, टू फिक्स ए लिमिट, क्या हो जाएगा, टू फिक्स ए लिमिट। अगला है ओवर हेड एंड ईयर, ओवर हेड यानी कि माथा के ऊपर एंड का, ओवर हेड एंड ईयर इसका क्या होता है, पूरी तरह से। ओवर हेड एंड ईयर का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, पूरी तरह से। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, नियरली, दूसरा क्या है कंप्लीटली, तीसरा अलर्ट, चौथा एब्सोल्यूट। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, ऑन वंस गार्ड, इसका क्या मतलब है, ऑन वंस गार्ड का मतलब क्या होता है, तो ऑन गार्ड का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, सावधान, सावधान हो जाना, सावधान। ठीक है, सावधान। आप देखिए ऑप्शन क्या दिया, अवॉइड टू फॉल, टू बी केयरफुल, टू नॉट बी इन प्रॉपर ऑर्डर कॉज, तो टू बी क्या हो जाएगा, केयरफुल, क्या हो जाएगा, टू बी केयरफुल, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑन ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है सावधान, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टू बी केयरफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बैट में शक्ति लगाना, क्या होता है, बैट, बैट में शक्ति लगाना, शक्ति लगाना, बैट में शक्ति लगाना, बराबर। ठीक है, वास्ट एनर्जी ऑन ए, क्या हो जाएगा, वेट, वेट में शक्ति लगाना, टू बी अनडिसाइडेड नहीं होगा, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनट्रेलेबल सिचुएशन, रिवेल ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्शन नहीं, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, वेस्ट एनर्जी ऑन ए अनट्रेलेबल सिचुएशन, यानी कि बेकार सिचुएशन में क्या होता है, अपना एनर्जी वेस्ट करना। अगला वर्ड है ए कैरेट एंड अ स्टिक अप्रोच, इसका क्या होता है हिंदी मीनिंग, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, ए कैरेट एंड अस्टिक अप्रोच, मार सवार। ठीक है, क्या होता है, मार सवार। ऑप्शन दिया हुआ हैप्पी एंड अनहैप्पी, ठीक है, दूसरा दिया हुआ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, हेल्प एंड गाइडेंस नहीं होगा, डू एंड अनडू नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 15 नंबर, रेनिंग कैट एंड डॉग्स, बहुत फेवरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट लोग बच्चे हर बुक में ये आपको मिल जाएगा, रेनिंग कैट एंड डॉग्स। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, क्या होता है, मूसला, मूसलाधार बारिश होना, बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो ड्रिलिंग नहीं होगा, अर्निंग लॉट ऑफ मनी नहीं होगा, रेनिंग हैबली, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग हैबली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डू ए गुड टर्न, डू ए गुड टर्न, इसकी मीनिंग क्या होता है हिंदी में, किसी की मदद करना, क्या होता है, किसी की मदद करना, किसी की मदद करना, किसी की मदद करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प समवन, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है टू हेल्प समवन, दूसरा हो गया टू पुट टू डिथ नहीं होगा, टू प्रिक द हर्ट नहीं होगा, टू कॉज ए ग्रीफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, किसी की मदद करना, टू हेल्प समवन, ऐसे को क्या बोल सकते हैं, डू ए गुड टर्न्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, तो पार्ट एंड पार्सल का क्या होता है, अभिन्न अंग, क्या होता है हिंदी में इसका मीनिंग, अभिन्न, अभिन्न अंग, अभिन्न अंग। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग तो जानते हैं कि जो ये कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो बेहतरीन ढंग से ज़्यादा हो सके उतना मेहनत आपके ऊपर हम कर रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँच सकें।
ठीक है, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये सब क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आप लगता है कि हाँ सर आप मेरे लिए बहुत अच्छा का मतलब कि आपका वीडियो से मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, मेरा पढ़ाई में बूस्ट हो रहा है, तो आप भी बदले में गुरु दक्षिणा जिसको कर सकते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। चलिए, अगर अच्छी लगे तो अगला क्या है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट एंड आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, सेंड द मैसेज एंड इसेंशियल पार्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव अवे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंड इसेंशियल पार्ट, अभिन्न अंग। अगला है एरेनी डे, एरेनी डे का मतलब क्या हो गया, एरेनी डे को हिंदी में क्या बोलते हैं, कठिन समय, कठिन समय, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, कठिन समय। तो पहला ऑप्शन है टाइम ऑफ एजमेंट, दूसरा है टाइम ऑफ डिफिकल्टी, डे ऑफ एडवेंचर, हैवी डाउनफॉल ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, कठिन समय, रेनी डे। अगला है स्पीक एंड स्पेल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, साफ सुथरा, क्या होता है, साफ सुथरा, साफ सुथरा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्यूट, लॉन्ग एंड हेल्दी, क्लीन एंड टिडी, डे एंड नाइट, तो क्या हो जाएगा इसका साफ सुथरा का, क्लीन एंड टिडी, ऑप्शन सी। अगला है ईट एनी वन सॉल्ट, ईट एनी वन सॉल्ट का मतलब होता है, ईट एनी वन सॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी का मेहमान बनना, किसी का मेहमान, मेहमान का मतलब क्या होता है, गेस्ट, मेहमान बनना, क्या होता है, किसी का मेहमान बनना। टू बी अनफेयर, पहला ऑप्शन है टू बी अनफेयर टू ऑल, टू बी वंस गेस्ट, टू बी फ्लेक्सिबल, ईटिंग लॉट ऑफ जंक, तो यहाँ पे मेहमान बनना है तो गेस्ट तो क्या हो जाएगा, टू बी वंस गेस्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, रेस्ट ऑन वंस लिवरियर, इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, इसका क्या मतलब होता है, पुरानी ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना, ठीक है। क्या होता है, पुरानी पुरानी ख्याति पर संतोष, संतोष यानी कि पुराने धन पे संतोष किए बैठे रहना, ठीक है, संतोष किए बैठे रहना, बैठे रहना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाना पुराने बारे में, कि हाँ भाई जो पूर्वजों बना दिया उसी के बैठ के खा रहे हैं, अपना कुछ कमा नहीं रहे हैं। टू रिमेंबर थिंग्स क्लियरली, नहीं होगा इसमें, याद करने का कोई भी सीन नहीं है। नॉट टू कम टू पॉइंट, कोई जरूरत नहीं कहीं पॉइंट पे जाना नहीं है। डिफेंड फ्रॉम इनेमी, इनेमी से कुछ भी डिफेंड नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, यानी कि अपने एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाना, कुछ भी काम नहीं करना, बस परे रहना, जो पूर्वज बना दिए हैं, जो पूर्वज का प्रॉपर्टी है उसी से पैसा खाते रहना, ठीक है। अगला है 22 नंबर, फेलो आउट, फेलो आउट का मतलब होता है झगड़ना, झगड़ना, झगड़ा, क्या होता है, फेलो आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। तो टू एडमायर नहीं होगा, डिक्लेयर डेड नहीं होगा, टू लव समवन नहीं भाई प्यार करना नहीं है किसी को, यहाँ झगड़ा है। टू क्रूरल, इसका मतलब होता है क्रूरल, ये आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। एक यहाँ पे और बता देते हैं, एक और यहाँ पे है फॉल आउट ऑफ, अगर ये आया फॉल आउट आया तो ठीक है, अगर फॉल आउट ऑफ आ गया तो इसका मतलब होता है त्याग करना, त्याग देना, जैसे राम भगवान ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तो उसी तरह क्या हो गया, त्याग देना। अगला है एप्पल ऑफ वंस आईज, ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, आंखों का दुलारा होना, ठीक है, बहुत चांद का टुकड़ा, बहुत प्यारा होना, प्यारा होना, ठीक है, किसी की आंखों का तारा होना, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, किसी की
आँखों का, जैसे हर संतान अपने माँ के क्या होता है, आँखों का तारा होता है, किसी की आँखों का तारा होना, का तारा बराबर, तो क्या हो जाएगा, कवर्ड अपफोर्ड नहीं होगा, पनिश नहीं होगा, वेरी डियर टू समवन, वेरी डियर टू समवन यानी बहुत प्यारा किसी के लिए होगा, ठीक है। अगला हुआ 24 नंबर, टू वर्क लाइक ए डॉग। टू वर्क लाइक ए डॉग का मतलब क्या होता है, कठिन मेहनत करना। डॉग कितना मेहनत करता है ना, डॉग भागता दौड़ता है, कठिन मेहनत करना। अगर किसी को बोलना है कि आप कठिन मेहनत करिए, वर्क हार्ड करिए, तो क्या बोल सकते हैं, टू वर्क लाइक ए डॉग। टू वर्क वेरी स्लोली नहीं होगा, वेरी मोर टू वर्क वेरी हार्ड, क्या हो जाएगा, टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सेट एट लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी का मतलब होता है छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, सेट एट लिबर्टी छोड़ देना। तो टू रिलीज पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, टू रिलीज क्या हो जाएगा, छोड़ देना। सर्टेनली नहीं होगा, लिटरेटी एंड रेस्ट्रिक्टिव नहीं होगा, अर्निंग एंड हॉनेस्ट लिविंग नहीं होगा, ठीक है। गेट एवे, गेट एवे का मतलब क्या होता है, बच निकलना, वो वहां से गेट एवे हो गया था, बच निकला था, बच निकलना, बच निकलना, ठीक है। बच निकलना क्या हो जाएगा, वॉन मतलब जीतला नहीं होगा, स्केप, स्केप का मतलब होता है बचना निकलना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, स्प्लिट रीजन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूट एंड ब्रांच क्या है, रूट एंड ब्रांच इसका मतलब होता है पूरा, रूट एंड ब्रांच का मतलब क्या होता है, पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ समथिंग नहीं होगा, क्वार्टरली आधा नहीं होगा, नथिंग टू ऑल नहीं होगा, टोटली डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला वर्ड है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है सफ़ेद झूठ, नहीं बोलेगा अरे कितना सफ़ेद झूठ बोल रहा है ये इंसान, यानी कि व्हाइट लाई बोल रहा है, ठीक है, सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद झूठ, ठीक है। सफ़ेद झूठ को क्या बोल सकते हैं, हिडेन, हिडेन लाई, ठीक है, तो हिडन लाई आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है विश ए विश, इसका मतलब क्या होता है, विश ए विश का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, के संदर्भ में, किसके संदर्भ, के संदर्भ में, ठीक है, के संदर्भ में, तो टू अदर वे अराउंड इन ए रिलेशन टू, टू कंप्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, इन ए रिलेशन टू, इन रिलेशन टू के संदर्भ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हील्स विथ इन व्हील्स। व्हील्स विथ इन व्हील्स का मतलब क्या होता है, उलझना, क्या होता है इसका, उलझना, उलझन, परेशानी, परेशानी, और क्या होगा, जटिल, जटिलता, और क्या, ये सारा कुछ होता है, ठीक है, उलझन, परेशानी, जटिलता, तो हिडन इन एमी, साइड बाय साइड, कोर्स ऑफ टाइम, कॉम्प्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, यानी कि बहुत जटिल चीज है, ठीक है। आउट एट द इल वॉज, इसका मतलब होता है गरीबी, क्या होता है, गरीब, तो क्या हो जाएगा, पुअर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला वर्ड है कम ऑफ, अगला क्या है, कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कम ऑफ का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है अलग रहना, अलग रहना, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई करने के लिए अपने माँ परिवार से क्या है, अलग रह रहे हैं, ठीक है, अलग रहना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, लंच वन सेल्फ, सेपरेटेड, हैबिट डिस्पेडेड, टेकिंग लीव, टेकिंग लीव, तो क्या हो जाएगा आपका, टेकिंग लीव नहीं होगा, हैबिट डिस्पेड नहीं किया होगा, सेपरेटेड, बी सेपरेटेड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत समय पहले का, ठीक है, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, बहुत, बहुत समय, बहुत समय पहले, पहले का, बहुत समय पहले का, तो क्या हो जाएगा, एंशिएंट, कॉफिशिएंट नहीं होगा, कॉफिशिएंट नहीं होता, प्रिस्टीन नहीं होता, एम्बिडियंट नहीं होता, क्या हो जाएगा, एंशिएंट, ठीक है, बहुत समय पहले का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पैसे लेकर के कैदी को छोड़ना, क्या होता है,
पैसे। आप देखे होंगे जॉली LLB 2 या 1 भी हमको उतना याद नहीं है, जॉली LLB 2 में, हाँ 2 में ही क्या किया था, इंस्पेक्टर जो था वो पैसा लेकर के कैदी को छोड़ दिया था, ठीक है, पैसे लेकर कैदी को छोड़ देना, पैसे लेकर के कैदी को छोड़ देना, क्या हो जाएगा इसका रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, फिरौती, पैसे लेकर के छोड़ देना। पुट इनटू एक्शन, अगला वर्ड क्या है 35, पुट इनटू एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यान्वित करना, क्या हो जाएगा टू एग्जीक्यूट, क्या हो जाएगा तो कार्यान्वित करना, पुट इनटू एक्शन, ठीक है, पुट इनटू एक्शन कार्यान्वित करना, ठीक है। अगला वर्ड है डू अवे विथ का मतलब क्या हो जाता है, समाप्त करना, ठीक है, तो क्या है, या खत्म करना, क्या हो जाएगा टू एबुलिस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म करना, ठीक है। अगला वर्ड है वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड का मतलब होता है सभी लाभ उठाना, क्या हो जाएगा वेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, हैविंग ऑल दी डिसएडवांटेज नहीं होगा, हैविंग फन नहीं होगा, हैविंग ट्रबल नहीं होगा। अगला वर्ड है 38 नंबर है इन दी टीथ ऑफ यानी कि विपरीत दिशा में, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, क्या होता है विपरीत दिशा में, ठीक है। तो रियल कॉज इन दी फेस ऑफ, तो क्या हो जाएगा इन दी फेस ऑफ विपरीत दिशा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, बी ए डेड मीट, इसका मतलब क्या होता है, बी ए डेड मीट का मतलब क्या होता है, किसी सीरियस परेशानी में फंस जाना। टू बी इन सीरियस ट्रबल फ्रेंडली स्पीक टू विथ, क्या हो जाएगा टू बी इन सीरियस ट्रबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइक टू पीस इन ए पेयर, इसका मतलब होता है एक समान, ठीक है, तो सिमिलर, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सिमिलर, ठीक है। तो ये रहा 2017 में हर शिफ्ट में आए हुए जितने भी एडम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन था, वो सारा हम एक क्लास में कवर कर लिए हैं। इसी तरह से बेहतरीन ढंग से इंग्लिश का क्लासेस आपके लिए चल रहा है SSC MTS के लिए, तो जो बच्चे सीरियसली इस बार जॉब किसी भी कंडीशन पे एट एनी कॉस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांस लेना चाहते हैं, तो आप मेरा हर एक क्लास अटेंड करिए, मैथ का क्लास अटेंड करिए, इंग्लिश का क्लास अटेंड करिए, कमेंट करिए, अगर कोई कंफ्यूजन है आप बताइए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, सर मुझे ये टॉपिक में कमज़ोर है, फिर से करवा दीजिए। आप जितना कर सकते हैं, जितना आप बोल सकते हैं, हम आपके लिए उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप कमेंट में बताइए कि आपकी परेशानी क्या है, कौन कौन सा टॉपिक कवर कराना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जो आप बोले तो आपके लिए ही हम हैं, आप हैं तो हम हैं। जो भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, आप हैं तो हम हैं, तो आप जितना बोलिएगा, जो बोलिएगा, सब हम जितना कोशिश हो सकता है उतना स्टडी में, पढ़ाई में मदद आपकी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत।